नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज रोजाना ताजा अपडेट के साथ ही ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए या हमें इच्छा मौत का अधिकार दिया जाए, यह कहना है पीड़ित का। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष रौनापार को आज ही पीड़ित परिवार के मामले के निस्तारण करने का पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिया है। दबंगों द्वारा मारपीट करके घर निकाले जाने पर इच्छा मृत्यु का अधिकार मांगने पीड़ित परिवार एसपी दरबार पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित राम विनय यादव, जो ग्राम बसवरिया और राजी देवारा करखिया थाना रौनापार का निवासी है, ने बताया कि गांव के कुछ दबंग लोग राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति हैं। अप्रैल माह में घर में इन लोगों ने घुसकर मेरी पत्नी रीना यादव, मुझे व मेरे बुजुर्ग माता पिता को बुरी तरह से मारा पीटा था, जबकि उस समय मेरी पत्नी गर्भवती थी। इन लोगों के द्वारा पेट पर लात मारने से मेरी पत्नी को ब्लड आने लगा, जिसे महिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की पेट में ही मौत हो गई थी, जिसकी लिखित सूचना थाना रौनापार में दी गई थी। उचित कार्रवाई न होने के कारण यह लोग आए दिन मारपीट करते हैं। थानाध्यक्ष के द्वारा कोई कार्रवाई ना करने से इनका मन बढ़ते जा रहा है और बराबर हम लोगों को धमकी देते रहे हैं। दबंगों के डर से अपने परिवार को लेकर दूसरे गांव में छुपकर हम लोग रह रहे हैं। दबंग हम लोगों को ना पाकर दूसरे दिन मेरे माता पिता, जो दवा लेने जा रहे थे, उन्हें मारा पीटा और मेरी पत्नी बच्चों को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। हम लोग अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से जान माल की सुरक्षा की मांग की है और कहा है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए या हमें इच्छा मौत का अधिकार दिया जाए। पीड़िता की बातों को सुनकर पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष रौनापार को फोन करके तत्काल कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। क्या कुछ कहा इस बाबत पीड़ित ने और एसपी सुधीर कुमार सिंह ने, हम बारी बारी से इनकी बातें सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? राम विनय यादव। कहाँ घर पड़ेगा? राजी द्वारा करके ग्राम बसौरिया थाना रौनापार। क्या मामला है कि आप यहाँ पर आए? सर, जो हम घर बनवा रहे थे, फिर उसके बाद हमारा जमीन छोड़कर हम बनवा रहे थे, बर्जा निकलवा रहे थे, बर्जा नहीं निकालने दिए, आए कहे तो इसके बाद हम लोगों को घर भर को लोग मारे, फिर हम लोग रौनापार थाने पर सोचना दिए। कौन कौन मारा? हमारे बगल का ठाकुर यादव, विश्वनाथ यादव, दया यादव, गया यादव, ये लोग मारे। फिर हम लोग थाने पर गए, थाने पर जाने के बाद FIR हमारा दर्ज नहीं लिए लोग। फिर हम लोग घर पर आए, फिर लोग मारे, फिर लोग 100 नंबर आए, 100 नंबर वाले भी हमको मारे। ये तकलीफ आप लिखे हुए घूम रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिले, इच्छा मौत का अधिकार मिले, जी आप ऐसा लिख कर क्यों घूम रहे हैं? सर, हम लोग जो 10 दिन से यहाँ से निकले हैं घर से, हम लोग जो है कि सदर में मांग रहे हैं, खा रहे हैं। आपने एसपी महोदय को दरखास्त दिया तो महोदय जी ने क्या कहा? महोदय जी कहे थाने पर जाइए, एसओ साहब को फोन किए, कहे कि आपको साथ में जाएंगे, मौका देखेंगे। कार्रवाई का आश्वासन मिला आपको ना? जी। कहा नाम है? रीना यादव। कहाँ घर पर? बसवरिया, राजी देवरा करके ग्राम बसवरिया थाना रौनापार। का मामला किया कि चक्का लगा? सर, काना कि हमारे घर बना शुरुआत बार काना में बर्जा ना निकले देता ना, वही भी कहना भैया कहीं बर्जा ना निकले देता तो कानो तो छोड़ ले सारे तरह काना बर्जा निकली, यही पे बहन बेटी गरिया और द्वारा चढ़ के मारा ठाकुर यादव, विश्वनाथ यादव, दया यादव, गया यादव। जी हमारे 4 महीना का लड़का पेटे में रहा। अच्छा। होली दिन रात लोग कहला रंजीत लोग बनौल की होली दिन मारल जाए तो कुछ हो ही ना, सबका एक दारू शराब पियले रहो कुल अपने में छोटा मोटा करके काना की मार झगड़ा कैले हो। तो साहब, हमारे लड़का काना 2 महीना बेड़ा मिला, 4 महीने में गिर गया। ये थाना रौनापार का रहने वाला एक परिवार था, उनकी एक छोटी समस्या थी। मेरे द्वारा उनके प्रार्थना पत्र लेकर, ये जन सुनवाई के दौरान आए थे, उनके प्रार्थना पत्र लेकर मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक रौनापार को निर्देशित किया गया कि इनके साथ गांव में जाएं, जहां के रहने वाले, और जो समस्या है उसका निराकरण करें, आज ही मुझे अवगत कराएं। वो लोग यहां से थाने गए हैं, थाने से प्रभारी निरीक्षक इनके साथ इनके गांव जाएंगे और इनकी समस्या का निराकरण आज ही करेंगे।